dear student, welcome in MindBee. You can visit us on www.mind-b.com. So, ये हमारा तीसरा lecture है, chapter some basic concept of chemistry का, okay? Some basic concept of chemistry, जो 11th chemistry का first chapter है, उसका ये third lecture है. So, पहले lecture में हमने देखा था, definition of chemistry देखी थी, then branches of chemistry की definitions देखी थी. उसके बाद हमने एलिमेंट मैटर देखा था. मैटर में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, ये सब देखा था. ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. देन सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने सेकेंड लेक्चर में. एंड देन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखा था. ठीक है, सो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो फाइव लॉज है. ओके, फाइव लॉज है. उसमें से हमने थ्री लॉज जो है वो सेकेंड लेक्चर में देखे थे. सो फाइव लॉज जो ये है, ये काय पे डिपेंड है? तो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं. एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और उस बेसिस पे ये फाइव लॉज है. सो हमने थ्री लॉज देख लिए थे. तो थ्री लॉज कौन से है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, देन सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है. ये कहता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, सो हमने इसमें एग्जांपल देखा था कि लाइक हम सी प्लस ओ टू लेते हैं तो हमें मिलता है CO2. ओके, सो यहाँ पे कार्बन का वेट है 12. हमें वेट पता रहना चाहिए. तो कार्बन का वेट एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 एंड हाइड्रोजन का 1. ओके, सो 32 प्लस O2 टू टाइम्स है, मीन 16 × 16 इज इक्वल टू 32. सो इन दोनों के एडिशन करके ये हमें भी इतना ही मिलेगा, 16 × 32. तो दोनों सेम है. सो रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास. ये हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में. देन सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी अगर प्योर सैंपल हमने लिया, तो हमने एग्जाम्पल देखा था क्यूप्रिक कार्बोनेट का. ओके, अगर हम कोई भी प्योर सैंपल लेते हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा था, जो हमने प्योर सैंपल लिया था उसमें जो कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, वही परसेंटेज हम अगर लैबोरेटरी में क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर बनाते हैं, तो उसका परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज जो है वो सेम आएगा. ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो हमने इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी देखा कि अगर हम कहीं का भी वाटर लेते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 रहेगा, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो ये लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. सो जो ये प्रोडक्ट है उसमें एक जो एलिमेंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट रहता है उसका एलिमेंट रहेगा वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करेगा. सो हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है. अब ये दोनों मिलके दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, दो रिएक्शन हो रही है. सो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, CO2 एंड CO. सो अब इसमें जो कार्बन है उसका जो मास है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है. ओके, बट जो ऑक्सीजन है वो दोनों मिलके एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बेयर करेंगे. लाइक O2 यहाँ पे 32 है, बिकॉज एक ऑक्सीजन का वेट है 16 × 2 इज इक्वल टू 32/16. सो हमें 2:1 जो है वो हमें रेशियो मिलेगा. सो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि यहाँ पे दो एलिमेंट रहेंगे, वो दोनों एलिमेंट कंबाइन होके अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बट वो जो प्रोडक्ट है उसमें एक जो एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा. ठीक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सो जो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये फाइव लॉस के अंदर नहीं आता है, ना ही ये स्टेट बोर्ड की बुक में है, ना ही NCERT की बुक में है, बट ये लॉ इंपॉर्टेंट है इसलिए हम देखेंगे. सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया है, किसने प्रपोज किया है? सो ये लॉ प्रपोज किया है रिचर्ड ने. ओके, रिचर्ड ने. सो ये लॉ क्या कहता है
कि व्हेन दो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, मतलब यहाँ पे तीन एलिमेंट है ये बात तो पक्की हो गई कि ये जो लॉ है इसमें थ्री एलिमेंट्स रहते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कितने एलिमेंट रहते हैं, टू एलिमेंट्स रहते हैं. ओके, सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल मोल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन. मतलब दो तीन एलिमेंट है. ओके, सो दो एलिमेंट जो है वो सेम थर्ड जो एलिमेंट है उसका मास जो है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे O2 जो है वो फिक्स्ड एलिमेंट है, और ये जो दोनों है वो दोनों मिलके एक स्मॉल मोल नंबर रेशियो बियर करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको दो वे में सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट वे हम देखेंगे इसे डिटेल में. ठीक है, दो तीन एलिमेंट है, ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो कार्बन और सल्फर सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 फॉर्म कर रहे हैं, देन सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलके SO2 फॉर्म कर रहे हैं, एंड कार्बन एंड सल्फर ये दोनों बाद में मिलके CS2 फॉर्म करेंगे. फर्स्ट क्या है कि कार्बन है, ओके, ऑक्सीजन है एंड सल्फर है. ओके, सो ये दोनों मिलके CO2 फॉर्म कर रहा है और ये दोनों मिलके SO2 फॉर्म कर रहे हैं, और बाद में ये दोनों एलिमेंट मिलके CS2 फॉर्म कर रहे हैं. सो जो ये रेशियो आएगा बाद में वो एक सिंपल मोल नंबर रेशियो रहेगा, यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है. सो हम एक इसे दो मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं एक मिनट को. ठीक है, सो CO2, तो C इज टू O2, सो कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 एंड ऑक्सीजन का है 16, बट टू टाइम्स है तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, सो 3 इज टू 8. ओके, देन सल्फर एंड ऑक्सीजन का SO2 का सल्फर एंड ऑक्सीजन का, सो 32 इज टू 32 बिकॉज 2 ऑक्सीजन है और सल्फर का वेट है 32, सो 1 इज टू 1 मिलेगा हमें. ठीक है, देन CS2 का देखेंगे हम, CS2, सो कार्बन का है 12 एंड सल्फर का है 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, तो ये आएगा 3 इज टू 16. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, दो कंपाउंड CO2 इज टू SO2 इनका एक रेशियो निकालेंगे, तो इनका रेशियो आएगा 3 is to 8 इंटू 1/1 दैट इज इक्वल टू 3/8. ओके, ठीक है, ये एक रेशियो आया हमारा 3 is to, ये फाइनल रेशियो है इन दोनों का मिलके जो रेशियो है वो 3 is to 8 है. अब इन दोनों कंपाउंड का रेशियो जो है वो और उसका रेशियो हम निकालेंगे CS2 के साथ, सो क्या आएगा 3 is to 8, CS2 का कितना है 3 is to 16, सो क्या आएगा 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16. अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 16 डिवाइडेशन था, ऊपर जाके अपॉन में चल जाएगा, तो 16/8 दैट इज इक्वल टू 2/1. सो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिला है. सेकेंड मेथड है सॉल्व करने की. अब इससे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ कार्बन और सल्फर ये दोनों मिलके एक रेशियो फॉर्म करेंगे, कार्बन एंड सल्फर ये दोनों मिलके एक रेशियो फॉर्म करेंगे 12 is to 32 दैट इज इक्वल टू 3 is to 8, एंड देन कंपाउंड CS2 इन दोनों का मिलके जो रेशियो आएगा वो रहेगा 12 is to 64 दैट इज इक्वल टू 3 is to 16. सो अब इन दोनों का रेशियो आएगा CS2, सो दैट इज इक्वल टू 3/8 अपॉन 3/16 दैट इज इक्वल टू 16/8 दैट इज इक्वल टू 2/1. सो ये दो मेथड है सॉल्व करने की लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके, सो हमने क्या किया, पहले CO2 का रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन निकाला 3 is to 8, देन SO2 का, देन CS2 का. इन तीनों का निकालने के बाद हमने पहले इन दोनों का प्रोपोर्शन निकाला कंबाइन करके जो हमें 3 is to 8 मिला, देन हमने इन तीनों का साथ में प्रोपोर्शन निकाला तो हमें मिला 2 is to 1. एक स्मॉल होल नंबर रेशियो मिला हमें जो है 2 is to 1. सो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. देन हम देखेंगे लॉ ऑफ गेलुसैक. ओके, गेलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. सो ये लॉ क्या कहता है, ये सबसे पहले ये लॉ प्रपोज किसने किया, तो ये लॉ प्रपोज किया था जोसेफ लुइस गेलुसैक इन 1808 में. सो 1808 में गेलुसैक ने ये लॉ प्रपोज किया था. अब ये लॉ क्या कहता है,
व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस गैसियस प्रोडक्ट. अब दो गैसेस है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ये दोनों प्रोड्यूस कर रही है HCl गैस एज अ प्रोडक्ट. ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ सिंपल मोल नंबर रेशियो विद ईच अदर प्रोवाइडेड वॉल्यूम्स आर मेजर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो मतलब जो इन ये तीनों जो है एक स्मॉल मोल नंबर रेशियो में है. सो यहाँ पे वन वॉल्यूम है, यहाँ पे वन कोएफिशिएंट है, तो वन इज टू यहाँ पे टू, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक सीएल, तो यहाँ पे दो गैसेस है एच एंड सीएल, सो टू वॉल्यूम ऑफ एच सीएल, सो वन इज टू टू, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करती है. बट कब सिम कब करती है वॉल्यूम, जब जो प्रोवाइडेड वॉल्यूम है वो सेम टेम्पर वो जो है वॉल्यूम जो है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे. ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस. ओके, एन टू मीन्स नाइट्रोजन गैस, थ्री एच टू मीन्स हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, एन एच थ्री मीन्स अमोनिया. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस. ओके, इफ 20 ml ऑफ एन टू रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद एच टू, ओके, देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एच टू एंड अमोनिया. ओके, तो हमें क्या निकालना है H2 और अमोनिया का कितना वॉल्यूम है हमें वो निकालना है. सो रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ओके, सो हम इसका पहले सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे. यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, मीन्स 1. ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2. सो क्या आएगा, 1 इज टू, 3 इज टू, 2. ओके, सो हमें N2 का वॉल्यूम दिया है 20 ml, तो N2 का जो वॉल्यूम है वो है 20 ml. सो 1 जो 1 वॉल्यूम है वो किसके बराबर है 20 के, तो 3 वॉल्यूम कितने के बराबर आएगा, 2 into 3, ओके, 2 into, सॉरी 3 into 20, दैट इज इक्वल टू 60 ml. ओके, और यहाँ पे आएगा 2 into 20, दैट इज इक्वल टू 40 ml. तो हमने निकाल लिया हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है 60 ml, एंड अमोनिया का वॉल्यूम कितना है 40 ml. सो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आया हमारा 60 ml एंड अमोनिया का वॉल्यूम आया कितना 40 ml. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस. मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हमें निकालना है, और हमें क्या दिया है अमोनिया, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें दिया है. ओके, सबसे पहले हैबर्स प्रोसेस क्या है. सो अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया, सो अमोनिया जो बनाने की ये प्रोसेस है उसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं. ओके, हैबर्स प्रोसेस, ये वाला क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है. सो हैबर्स प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू गिव्स अमोनिया. ओके, ये वाली हैबर्स प्रोसेस है. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितने मोल्स है, कितने वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम, हाइड्रोजन के थ्री वॉल्यूम एंड अमोनिया के टू वॉल्यूम. सो हमें कितना दिया है अमोनिया, अमोनिया दिया है हमें 20 मोल्स. ओके, 20 मोल्स, तो टू पार्ट्स है और हमें वन पार्ट लेना है, तो 20 ml का हाफ कितना होगा, बिकॉज दो का हाफ एक है, सो 20 मोल्स का हाफ कितना आएगा, 10 मोल्स. ओके, सो एक जो है वो 10 मोल के बराबर है, तो तीन वॉल्यूम कितने के बराबर आएगा, 3 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 30 मोल्स. सो हमें क्या निकालना था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना रिक्वायर्ड हुआ, 30 मोल्स. ओके, सो आंसर क्या आएगा, 30 मोल्स. और अगर हमें नाइट्रोजन का नंबर पूछते थे कि द नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, तो कितना आता था, 10 मोल्स. ओके, और अगर हमें हाइड्रोजन के मोल्स दिए वाले रहते थे और हमें निकालना था अमोनिया और नाइट्रोजन के, तो हम कैसे निकालते थे, एक सेकेंड, अगर हमें हाइड्रोजन 30 मोल्स दिया रहता था, ओके, और हमें निकालना था नाइट्रोजन का और अमोनिया का रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो हम कैसे निकालते थे, थ्री है
अगर हमें वन का निकालना तो डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है, तो थ्री इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 10 मोल्स, ओके। और अगर यहाँ पे 10 मोल्स आया वन के लिए, अगर 10 मोल्स है तो टू के लिए कितना आएगा, इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू 20 मोल्स, ओके। इंटू थ्री कर देते तो हमें 30 मोल्स मिलता था। सो इस तरह से हम, अगर हमें एच टू दिए वाला रहता था तो हम एन टू और एन एच थ्री निकाल सकते थे। Then next question, calculate the volume of reaction mixture when 10 liter of CO and 10 liter of O2 are allowed to react to maximum possible extent. Okay, pressure and temperature are same. So हमें क्या दिया है, CO दिया है and O2 दिया है, ये दोनों react करके form कर रहे हैं CO2. सबसे पहले हमें reaction बनाना आना चाहिए कि CO और O2 मिलके क्या form हो सकता है, तो CO2. So CO कितना है हमारे पास, 10 लीटर है, ओके, 10 लीटर है। O2 कितना है हमारे पास, 10 लीटर है, और CO2 कितना है पता नहीं। तो अगर ये 1 है, अब O2 कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीजन लग रहे क्या, नहीं, 2 ही लग रहे हैं। सो हम O2 को हाफ कर सकते हैं, सो हाफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, एक सिंगल O हो जाएगा, ठीक है, सो हाफ O2 लेंगे हम, सो ये कितना आएगा, 0.5। अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1, सो अगर ये 10 लीटर है, 1 इज इक्वल टू 10 लीटर है, तो 0.5 इज इक्वल टू 10 लीटर आएगा क्या, 0.5, ओके सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 10/2 आएगा यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 10/2, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 लीटर, ओके। सो 10/2 मीन्स 5 लीटर है, 5 लीटर लगा हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो हमारे पास रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है हमारे पास ऑक्सीजन, 5 लीटर है हमारे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन, जो है वो 5 लीटर ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास है, और CO2 जो बना है 10 लीटर वो हमारे पास है, ओके, 10 लीटर जो है हमारे पास वो भी है। सो हमें निकालना क्या था, अलाउ टू रिएक्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो हमारे पास कितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट जो बचे वाला है वो हमें बताना है। सो 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15 लीटर जो है हमारे पास वॉल्यूम बचे वाला है, तो आंसर क्या आएगा, 15 लीटर, ओके। देन नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। सो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ किसने प्रपोज किया, सबसे पहले तो एवोगैड्रो ने इन 1811, ओके, 1811 में प्रपोज किया गया लॉ है ये। सो इन दिस लॉ ही कंबाइंड गेलोसैक्स लॉ एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इसमें उन्होंने क्या किया, गेलोसैक्स लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दोनों को मिक्स करके लॉ बनाया, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। सो इसमें क्या कहा उन्होंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो वॉल्यूम है इक्वल अगर रहा ऑल गैसेस का अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते, सो जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। अब हमने समझो हाइड्रोजन गैस ली, ओके, हाइड्रोजन गैस ली, एक कंटेनर लिया, ये 100 ml का कंटेनर है, और इसमें हमने हाइड्रोजन गैस ली, H2 गैस ली, ओके। सो अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, सो ये 100 ml हाइड्रोजन गैस है। अब अगर हम हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ पे अमोनिया गैस अगर फिलअप करते, अमोनिया गैस अगर हम फिल करते, तो वो भी कितनी रहेंगी, 100 ml, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। अगर हम इसकी जगह नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, N2 गैस फिल करते हैं, तो वो भी कितनी रहेंगी, 100 ml रहेंगी, मतलब वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। अगर अब हम मोल्स के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशन देखेंगे। अब हमने क्या कहा था कि अगर H2 गैस है वो 100 ml है, ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, अब वो तो हमें पता नहीं, सो एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अब अगर NH3 लिया हमने, अमोनिया गैस ली 100 ml के अंदर, तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो भी एक्स रहेंगे, क्योंकि सेम रहेगा ना। अभी तो हमने कहा कि क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इक्वल वॉल्यूम है, और यहाँ पे हमने सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन रखी, ओके। अगर हम वॉल्यूम को हाफ से हाफ करते, अगर हम वॉल्यूम हाफ करते, अगर 50 ml हम अगर वॉल्यूम करते हैं अमोनिया गैस 50 ml, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ होंगे, क्योंकि रिलेशन है, सो x/2 आएगा। अगर अमोनिया गैस हमने
10 ml ली. सो 10 ml मीन्स 100/10. सो x बाय 10 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे. सो इससे एक सिंपल ही रिलेशन निकल रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को अगर कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही कम हो रहे हैं. सो एक रिलेशन मिला हमें कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n. हिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड मोल इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस. सो v बाय n अगर हम लेते हैं सो इज इक्वल टू v1 बाय n1. ओके, इज इक्वल टू v2 बाय n2. सो अप टू vn बाय nn. ओके, सो ये एक रिलेशन है. बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सो v इज इक्वल टू n. ओके, v इज डायरेक्ट तो यहाँ पे आके क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, v बाय n आएगा. ओके, सो उस हिसाब से v बाय n इज इक्वल टू v1 बाय n1, v2 बाय n2, v1 बाय nn. ओके, तो हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ गैस विथ वॉल्यूम ऑफ 9.20 लीटर इज नोन टू कंटेन 1.225 मोल इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 2.85 मोल. वॉट न्यू वॉल्यूम विल रिजल्ट इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. मीन्स हमें एस टी पी दिया है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि वॉल्यूम जो है वो कितना था, 9.20 था लीटर, 9.20 लीटर था. नोन टू कंटेन 1.225 मोल, मीन्स एन वन कितना दिया उन्होंने हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे पास, 1.225 मोल. ओके, देन उन्होंने कहा कि अगर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करे, मीन्स नंबर इंक्रीज कर रहे गैस मॉलिक्यूल के, सो नंबर अगर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करे टू 2.85 मोल, सो व्हाट न्यू वॉल्यूम विल रिजल्ट, तो हमें जो नया वॉल्यूम आएगा v2 वो हमें निकालना है. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, v1 बाय n1 इज इक्वल टू v2 बाय n2. सो v1 कितना है हमारे पास, 9.20 लीटर, n1 कितना है हमारे पास, 1.225 मोल. ओके, देन v2 कितना है हमारे पास, x पता नहीं कितना है क्योंकि हमें निकालना है, एंड n1 कितना है पास, 2.85 मोल. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम. सो x तो हमें निकालना है, तो x एज इट इज लेंगे, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में. सो 9.20 लीटर इंटू 2.85 मोल अपॉन 1.225 मोल. सो मोल से मोल कैंसिल हो गया. ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो कमेंट करो, आंसर आएगा 21.4 लीटर. ओके, देन नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक, सॉरी द एवोगैड्रो लॉ इज यूज्ड इन, ये हम आगे देखेंगे कि काय में यूज होता है, बट एक बार एक रिकैप एक थोड़ा शॉर्ट पे देख लेते. सो हमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस डिराइव करना है तो उसके लिए हमें एवोगैड्रोस लॉ लगेगा. एवोगैड्रो लॉ इज यूज्ड इन डिराइविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस, डिराइविंग एटोमिसिटी ऑफ गैस. एटोमिसिटी मतलब कितने एटम प्रेजेंट है. अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो H2 रहती है हाइड्रोजन गैस, तो इसे हम कहेंगे डाई एटोमिक. ओके, डायटोमिक. ओके, अगर हीलियम लिया, हीलियम गैस, सिर्फ हीलियम रहता है उसमें, सो इसे हम कहेंगे मोनो एटोमिक. ओके, मोनो एटोमिक. ओके, अगर हमने मीथेन गैस ली, ओके, CH4, सो इसमें फोर गैसेस है, कितने मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है. यहाँ पे टू हाइड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर प्लस वन फाइव है, सो हम इसे पॉली एटोमिक कहते हैं. ओके, पॉली एटोमिक. ओके, सो एटोमिसिटी समझ में आया कि कितने एटम्स प्रेजेंट है उस पर हम कहते हैं. सो मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉली एटोमिक. ठीक है, तो इस एटोमिसिटी जो डिराइव करनी है, डिटरमाइन करनी है, उसके लिए भी एवोगैड्रोस लॉ यूज है. देन डिराइविंग द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिराइव करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एवोगैड्रोस लॉ. देन एवोगैड्रोस नंबर एन ए,
एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10^23। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर पर डीएम क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज नोन एज एवोग्राम। रेसिप्रोकल अगर एवोगैड्रोस नंबर का लिया तो उसे हम क्या कहते हैं, एवोग्राम। ओके, देन हम देखेंगे आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, ये 1808 में प्रपोज किए थे, की थी डाल्टन ने। ओके, सर डाल्टन ने 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। सो इन्होंने जो एटम वर्ड है, एटम वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, सर जॉन डाल्टन ने। ओके, द वर्ड एटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डाल्टन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब समझो ये एक एलिमेंट है, ओके ये एक एलिमेंट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ओके वो है एटम। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, न्यूट्रल इन नेचर है, रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो इस एटम में भी रहेंगी। लाइक हमने गोल्ड लिया, ओके गोल्ड, एक समझो हमने गोल्ड का कॉइन लिया, ओके ये कॉइन लिया गोल्ड का। अब इसमें से हमने एक एटम अगर निकाला गोल्ड का, सो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है, शाइनी है, जो भी प्रॉपर्टी वो सारी इस एटम में भी रहेंगी। ओके, सो वही ये लॉ कहता है कि जो एटम है, एलिमेंट्स अगर हम एक एटम निकालते हैं तो वो सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बियर करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। एटम को है ना एक पर्टिकुलर शेप रहता है, ओके ये सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, ये हमने सबसे देखा कि एटम जो है वो सबसे स्मॉल रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है, देन इसे एक शेप रहता है। ओके, उसके बाद ये इंडिविजिबल रहता है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल रहता है। ओके ठीक है, देन इस शाइनी रहता है, टाइनी रहता है, इंडिविजिबल रहता है। देन एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है। अब हर एक एलिमेंट का एटम जो है वो डिफरेंट रहता है, एक दूसरे से जो एलिमेंट, एक दूसरे से जो एटम रहेंगे हर एक एलिमेंट के वो डिफरेंट रहेंगे। ओके, और वो एटम कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है वो कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कंपाउंड क्या है, हमने देखा था लास्ट टाइम, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड। सो दो और दो से ज्यादा एटम से भी क्या बनेगा, क्योंकि एटम क्या है, एलिमेंट का ही पार्ट है, तो दो और दो से ज्यादा एटम से भी क्या बनेगा, कंपाउंड, और यही कंपाउंड केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। सो ये डाल्टन थ्योरी थी, कि डाल्टन थ्योरी ने एटम इंट्रोड्यूस किया और जो एटम है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल है और वो न्यूट्रल इन नेचर है और उसमें सारी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, देन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस।